छतरपुर में एक दलित को कुर्सी पर बैठना महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से दलित को एक दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीट दिया। पिटाई के कारण दलित को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना मातगुम्बा थाने के चौक पंचायत की है, जहां एक दलित युवक किसी योजना के लिए अपने दस्तावेज जमा करवाने आया था और वहां कुर्सी पर बैठा था। उसी दौरान गाँव का दबंग रोहित सिंह ठाकुर पंचायत आया और दलित युवक को कुर्सी पर बैठा देख नाराज हो जाता है, जिसके बाद दबंग दलित युवक को धमका कर चला जाता है। लेकिन बाद में वह अपने दो अन्य साथियों के साथ आया और दलित युवक के साथ मारपीट करना शुरू कर दी और मारपीट कर उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए, जिसके बाद दलित युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। किसी हरिजन को किसी दबंग गुंडे मवाली आदमी ने, सामान्य वर्ग के आदमी ने, सिर्फ जातिवादी के चक्कर में इतना मारा है कि वो उसकी जान जाने की नौबत आ गई है। और सिर्फ मुद्दा सिर्फ इस बात का था कि वो हरिजन आदमी पंचायत में अपने कार्य से आया हुआ था और कुर्सी पर बैठा था। ये सामान्य वर्ग का आदमी आया और बोलता है कि उठा क्यों नहीं, मेरे आने पर ये कुर्सी से क्यों नहीं उठाया, और उसको पकड़ के बाहर खींच के ले गए गेट के बाहर और उसे जान से मारने की धमकी दी। ये कल की घटना है और आज फिर कहीं से छतरपुर से दो गुंडे बुला करके और उसने तीनों आदमियों ने ऐसे इतना मारा, हर जगह पैर फटा हुआ है, हाथ फटे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सिर्फ जातिवादी चक्कर में। पंचायत भवन में आए थे, उनका शासन द्वारा हितैषी कूप निर्माण का स्वीकृत किया गया है, तो वह कूप के संबंध में अपने कागज जमा करने के लिए हमारे पास आए थे, तो वह कुर्सी पर बैठ गए। तो गांव के रोहित सिंह ने उनको बुला करके उनको काला पकड़ी और गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दी। तो उनको कल गांव वालों के कहने पर हमने मान लो कुछ एक्शन नहीं लिया, और आज उनने उनके घर पर जाकर इसी चक्कर में, जातिवाद के चक्कर में, उन्होंने उनके घर पर जाकर और दो लोग और बुला करके बहुत ज़्यादा डंडों से पिटाई की, जिसमें उसका सर फट गया, हाथ पांव टूट गए, उसकी जान जाने की संभावना है। ये ग्राम चौका है थाना माधवा अंतर्गत, वहाँ फरियादी हल्कू अहिवार में आके कल FIR कराई कि कपिल धारा को एक एप्लीकेशन वगैरह लेके गया था, जहाँ पे उसका रोहित सिंह एवं अन्य दो लोग से कुछ विवाद हुआ है। इस पर इमीडिएट हमने FIR रजिस्टर कर लिया है और SC/ST एक्ट उसमें लगी हुई है और जल्दी आरोपियों को राउंड अप कर लिया जाएगा। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।